गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, डीके सिन्हा दिस साइड, आप सभी का स्वागत है आस्क डीके के लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में, इस सुपर संडे के मास्टर क्लास में। आज का टॉपिक है दोस्तों मूविंग एवरेज। आप सभी जानते हैं कि इसके पहले हमने महत्वपूर्ण टॉपिक की सीरीज चालू की है, और खास करके अगर आप जीरो टू हीरो के प्लेलिस्ट के ट्यूटोरियल वीडियोस के माध्यम से सीख रहे हैं तो इन सेशन में आप इंटरैक्ट कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपने लर्निंग को, अपने नॉलेज को एक नए लेवल पे पहुंचा सकते हैं, जहां पे एक बेहतरीन टेक्निकल एनालिस्ट बन सकते हैं और एक बेहतरीन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी डिजाइन करके स्टॉक मार्केट में कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमा सकते हैं। यही उद्देश्य है दोस्तों आपके इस चैनल का। इसके पहले हमने सबसे पहले शुरुआत की थी कैंडलस्टिक पैटर्न में, जिसमें करीब 20 कैंडलस्टिक पैटर्न को कवर किया गया था और प्राइस चार्ट पर उनके एग्जांपल भी दिए गए थे। उसके बाद हमने ट्रेंड लाइन के ऊपर में एक टॉपिक को कवर किया, क्योंकि ट्रेंड लाइन एक ऐसा टूल है जो टेक्निकल एनालिसिस में सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाला एक टूल है, उसे हमने कवर किया। अब दोस्तों वॉल्यूम के ऊपर में, स्टॉक मार्केट के जो बिगिनर्स होते हैं वो प्राइस पे तो फोकस करते हैं, लेकिन वॉल्यूम जो मार्केट का ड्राइवर होता है, तो ड्राइवर को कैसे हम बोल सकते हैं, तो वॉल्यूम के ऊपर में हमने एक सेशन किया। और आज दोस्तों हम मूविंग एवरेज के ऊपर में चर्चा करने जा रहे हैं। हम इस चर्चा की शुरुआत करें, इसके पहले मैं आप सभी से बोलूंगा कि सबसे पहले ऊपर वाले का नाम लीजिए कि मेरे साइड में पावर कट ना, क्योंकि कल से इवनिंग से इतने कंसिस्टेंटली पावर कट हो रहे हैं मेरे घर में, मेरे स्टूडियो में, कि उस कारण से क्या हुआ है कि दोस्तों पावर का जो बैकअप वो चार्ज नहीं हो पाया है। तो अगर पावर गया इस लाइव स्ट्रीमिंग सेशन के समय, तो ये लाइव स्ट्रीमिंग सेशन बंद हो जाएगा, पर चिंता नहीं कीजिए, हम उसे फिर से लाइन अप करेंगे बाद में, जब ये पावर बैकअप का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो ऊपर वाले का नाम लीजिए और हम आशा करते हैं कि ये लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में कोई भी इंटरप्शन नहीं आएगा। आप क्या सोचते हैं कमेंट कीजिए। ऊपर वाले का नाम लेके शुरुआत करते हैं और ये मान के चलते हैं कि कोई इंटरप्शन नहीं आएगा। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मैं कुछ और बातें बताना चाहता हूं, क्योंकि ये जो हम मास्टर क्लास कर रहे हैं आस्क डीके के लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में, हर रविवार के दिन कोई एक नए टॉपिक को पकड़ते हैं, ताकि जो आपने जीरो टू हीरो के प्लेलिस्ट से सीखा है उसके बारे में इंटरैक्ट कर सकें, नॉलेज को फाइन ट्यून कर सकें और कंसिस्टेंटली अपने नॉलेज को इम्प्रूव कर सकें। क्योंकि मैं बार बार बोलता हूं दोस्तों, लर्निंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ना कि कोई एक डेस्टिनेशन। लर्निंग डेस्टिनेशन हो ही नहीं सकती है, किसी भी सब्जेक्ट में डेस्टिनेशन नहीं हो सकती। इस कारण से मैंने क्या किया है कि आस्क डीके में बहुत सारे सेशन ऐसे हैं जिसमें स्टॉक की एनालिसिस की गई थी, आप लोग स्टॉक पूछते थे और मैं लाइव सेशन के दौरान में उन्हें इंस्टेंटली एनालाइज करता। मैंने वो सारे वीडियो जिनका रेलेवेंस आज की डेट में नहीं है आस्क डीके के प्लेलिस्ट से हटा दिया है, और अब उसमें केवल 147 वीडियो थे, उन्हें हटा के अब मैं 12 या 11 वीडियो की प्लेलिस्ट रह गई है, ताकि आप उसे क्विकली रेफर कर सकें किसी टॉपिक के बारे में और एक रेफरेंस प्लेलिस्ट के रूप में यूज करें, खास करके मास्टर क्लास से रिलेटेड। तो उसमें कुछ पुरानी मास्टर क्लास हैं जो 2 साल पहले किए गए थे, जैसे मार्केट साइकिल है, बिजनेस साइकिल है, सेक्टर साइकिल्स है, इसके ऊपर में भी एक टॉपिक है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसे जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं, लेकिन वीडियो को अभी से लाइक कर लीजिए, उसमें कोताही नहीं कीजिए, अभी से लाइक कर लीजिए। और अगर जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए और इंटरैक्शन में पार्टिसिपेट कीजिए, क्योंकि जो चैनल के सब्सक्राइबर हैं वही इंटरैक्शन में चैट रूम में अपने कमेंट्स को लिख सकते हैं, अपने आंसर को दर्ज कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन को दर्ज कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर हिट कर लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन के लिए आपको नोटिफिकेशन मिले और आप अपडेटेड रहें। तो शुरुआत करने के पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि
गुड मॉर्निंग टू एवरीबडी एंड गुड आफ्टरनून टू एवरीबडी। कि 02 मैंने इस सेशन के पहले में आप लोगों से एक रिक्वेस्ट की, एक अनुरोध किया कि सेशन को अटेंड करने के पहले 0 to Hero 9 के वीडियो को देख के आएंगे, क्योंकि एक वर्सेटाइल वीडियो है। वर्सेटाइल वीडियो क्यों है? क्योंकि उसमें बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में चर्चा की गई। क्या आपने उसे 0 to Hero 9 को देख के आप इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो आप लिखिए कि आई हैव वॉच्ड, मैंने देख लिया है उस वीडियो को, और नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, इस सेशन के बाद में आप देख लेंगे। तो जिन्होंने देखा है वो सीन करके टाइप करें, और जिन्होंने नहीं देखा है, 1 hour 46 minute का वीडियो है, काफी लंबा वीडियो है, क्योंकि उस वीडियो में क्या क्या टॉपिक कवर किए गए हैं कोई बता सकता है? कौन कौन से टॉपिक कवर किए गए हैं? उसका टाइटल तो जरूर है। वेरी गुड सीन, काफी लोगों ने लिखा है कि उन्होंने देखा है। मैं पढ़ता हूं। यस, कैलाश जी ने लिखा है सीन, आशीष ने लिखा 1 hour 46 minutes। यस, वन थोड़ा लंबा वीडियो है, बिकॉज दोस्तों मैंने एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई थी आपको कि एक साल में हजारों घंटे होते हैं, 1 hour 46 minutes कुछ भी नहीं है। जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, या जो लोग मेडिकल करते हैं तो बहुत मोटी मोटी किताबें पढ़ते हैं, उसके बाद भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं कई बार। तो जब हमें एक दक्षता हासिल करनी है, वो स्किल को हासिल करना है, तो सीखना पड़ेगा। तो श्रीराम ने भी लिखा है देखा है, सुनील मौर्या ने भी लिखा है देखा है, आधा देखा है, कोई बात नहीं, आधा पूरा कर लीजिएगा मुनि जी। अनुपम जी ने भी देखा है, विभोर ने देखा है, अरुण शर्मा ने देखा है, नॉट सीन, तो देख लीजिएगा उसे। कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। हजारों घंटे का हम स्ट्रगल करते रहे मार्केट में कि हमें प्राइस एक्शन ही समझ में नहीं आए, तो बेहतर है ना कि एक बार में 1.5 hours, 2 hours, 3 hours, 4 hours, even 10 hours भी लगते हैं तो क्या दिक्कत है, तो उसे हम कवर कर ले। मैजिकल मूविंग एवरेज, डाउ डॉक्ट्रिन्स, ट्रेंड एंड मूविंग एवरेज, टाइप ऑफ ट्रेंड मूविंग एवरेज ऑल्सो फॉर ट्रेंड लाइन, मूविंग एवरेजेस, अबाउट ट्रेंड, यूज ऑफ एमए, गोल्डन एंड डेथ रेशियो, प्रैक्टिकल्स इन चार्ट, वेरी ट्रू। कैलाश जी ने पूरा लिख दिया है, और पिवट्स के बारे में भी चर्चा की थी, क्योंकि अगर पिवट्स हमें पता नहीं रहेंगे तो हम ट्रेंड लाइन कैसे खींचेंगे? ट्रेंड लाइन नहीं खींचेंगे तो प्राइस चैनल नहीं खींच सकते हैं। सब टॉपिक एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। टाइप्स ऑफ मूविंग एवरेजेस, अबाउट ट्रेंड, सेंटिमेंट्स, स्ट्रक्चर्स, मूविंग एवरेज, वेरी ट्रू। बहुत बार देखा है पर हाल में नहीं। ओके ओके सी ओके, तो चलिए, अधिकतर लोगों ने देखा है, ये बहुत अच्छी बात है। अब कई लोगों ने देखा है, उसको टॉपिक्स भी आपने कवर किया है, तो उस वीडियो में कई बार क्या होता है कि हम बार बार चीजों को रेफर नहीं करते हैं। एक अच्छा मेडिकल प्रोफेशनल वही होता है जो किताबों के टच में रहे, लेटेस्ट डेवलपमेंट के टच में रहे, और उन्हें रिवाइज करता रहे। और इसीलिए आपने देखा होगा कि अगर 100 डॉक्टर मेडिकल कॉलेज से पास होते हैं तो हार्डली 10 लोगों में वो स्किल होती है। डिग्री तो सबके पास है, लेकिन केवल 10 लोगों में वो स्किल होती है कि वो डायग्नोसिस कर पाते हैं, क्योंकि उनका तरीका अलग होता है पढ़ने का, समझने का, रिवाइज करने का। तो वो मेडिकल में जो फिजिशियन से बात करेंगे ना, तो पता लगेगा, डेविडसन और हैरिसन की किताब, मैं ऐसे कई फिजिशियन को जानता हूं अलग अलग शहरों में, जो अच्छे फिजिशियन है उनका डायग्नोसिस बहुत करेक्ट होता है, उन्होंने डेविडसन हैरिसन को रेगुलर पढ़ते हैं और साल में कम से कम 4 बार रिवाइज करते हैं। तो ऐसे ही नहीं, कोई स्किलफुल बनता है अपने प्रोफेशन में।
अब दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं, पहले चर्चा करते हैं, पहले आधार बनाते हैं मूविंग एवरेज का और उसके बाद प्राइस चार्ट में एग्जांपल मिले। तो सबसे पहले मूविंग एवरेज में दो वर्ड्स, एक है मूविंग और दूसरा है एवरेज। तो मूविंग से क्या मतलब समझते हैं, पहले एवरेज बताइए, एवरेज से आप मतलब क्या समझते हैं? पार्टिसिपेट कीजिए दोस्तों, जितना इंटरैक्टिव बनाएंगे सेशन को उतना लर्निंग में आपको फायदा होगा। ये मैं अपने अनुभव से बोल रहा हूं दोस्तों, क्योंकि मैंने मार्टिन जे प्रिंक की किताब को 50 बार पढ़ा है, थॉमस एंड गुलकॉस्की को कितने बार रेफर किया है मुझे खुद भी याद नहीं है, और अभी भी मैं 1-1.5 घंटे डेली स्टडीज में लगाता हूं। ये मान के नहीं चलता हूं कि मुझे सब कुछ आता है। जिस दिन हम सब कुछ आता है जान लेते हैं, मानने लगते हैं, हमारी लर्निंग जो है वो बंद हो जाती है, समाप्त हो जाती है, हम मिथ में रहने लगते हैं। एवरेज ऑफ प्राइस इन स्पेसिफिक टाइम पीरियड, वेरी परफेक्ट डेफिनेशन कैलाश जी ने लिखी है, वेरी परफेक्ट है। एज इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द प्राइस डेटा, प्राइस इज ऑलवेज मूविंग, परफेक्टली सेट, परफेक्टली सेट, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, हैज द नेम इज मूविंग एवरेज, प्राइस एवरेज इज स्पेसिफिक टाइम। Averages is the mean. Mean and average both are the same thing, Munir. So averages are averages. बहुत deeper arithmetical definition में जाएंगे तो बहुत minor सा difference है mean और average में. Average price, average of price, volume. Very true. क्योंकि moving average volume पर भी कोई भी data point पर moving average averages को apply किया जा सकता है. एवरेज प्राइस ऑफ सेलेक्टेड टाइम पीरियड विच स्मूथ्स आउट द प्राइस डेटा। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो था उसको पहले से विभोर ने आंसर कर दिया। एवरेज प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड मूविंग बिकॉज चेंजेस एवरी डे, मूविंग एवरेज इज अ ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर दैट स्मूथ्स आउट द प्राइस डेटा ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड टू आइडेंटिफाई अंडरलाइन ट्रेंड। ओके, तो चलिए मूविंग एवरेज तो आपने बता दिया, तो मुझे सबसे पहले यह बताइए कि हम प्राइस चार्ट के ऊपर में कैंडलस्टिक को देखते हैं। कैंडलस्टिक के 4 एलिमेंट्स होते हैं प्राइस के, ओपनिंग, क्लोजिंग, हाई एंड लो। फिर मूविंग एवरेज की क्या जरूरत है? जब हमें प्राइस, हम किसी भी समय की कैंडलस्टिक को देख सकते हैं और प्राइस का पता लगा सकते हैं, तो मूविंग एवरेज की आवश्यकता क्यों पड़ती है? मूविंग एवरेज की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्या कोई आंसर दे सकता है? मूविंग एवरेज की आवश्यकता क्यों है? एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर मूविंग एवरेज टेक्निकल एनालिसिस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है, और दुनिया का कोई भी ऐसा टेक्निकल एनालिस्ट नहीं होगा जो मूविंग एवरेज का इस्तेमाल नहीं करता। क्लोजिंग प्राइस, ओके, यस, करेक्ट आंसर इज इट एक्ट्स एज ए बेस लेवल। विभोर ने जो लिखा है बहुत परफेक्ट लिखा है, इंडिकेट्स द ट्रेंड, ये तो इस्तेमाल हो गया, तो ये जो है इट एक्ट्स एज ए बेस। अगर हम उसका पर्पज ही नहीं समझेंगे तो उसका इस्तेमाल इफेक्टिवली कैसे करेंगे? जैसे इसको मैं और थोड़ा सा टेक्निकल भाषा में बताता हूं कि फॉर एग्जांपल अगर आप मार्केट में, क्या हो रहा है मार्केट में कंसिस्टेंटली बुल एंड बेयर के बीच में युद्ध हो रहा है, मार्केट में बुल्स एंड बेयर के बीच में कंसिस्टेंटली युद्ध हो रहा है, वार चल रहा है मार्केट में,
बुल्स एंड बेयर्स के बीच में, तो अगर जब भी बेयर्स हावी होंगे तो प्राइस नीचे गिरेगी, जब भी बुल्स हावी होंगे तो प्राइस ऊपर जाएगी, तो एवरेज जो है वो कंसिस्टेंटली चेंज हो। तो आज की डेट में जो प्राइस ट्रेड हो रही है वो मूविंग एवरेज के रिस्पेक्ट में, जैसे आपने 21 पीरियड का मूविंग एवरेज लिया या 20 पीरियड का मूविंग एवरेज लिया, तो उसके रिस्पेक्ट में प्राइस कहां पर प्लेस्ड है प्राइस चार्ट में। तो ये जो मूविंग एवरेज है वो एक बेस की तरह काम करता है, जिसे टेक्निकली हम डेटम बोलते हैं, टेक्निकली हम उसे डेटम बोलते हैं। डेटम मतलब DATUM डेटम बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये पिक्टोरियल डायग्राम आपको दिखाऊं तो ये शिमला की पिक्चर, शिमला 2206 मीटर ऊपर है। तो शिमला अगर 2206 मीटर ऊपर है, और दूसरी पिक्चर में दिखाता हूं, ये पचमढ़ी की है जहां मैं रिसेंटली हॉलीडे पे गया था, तो इस जगह पे गया था, इसकी हाइट है 1352। ये सतपुड़ा रेंज का एक हिल स्टेशन है, तो इसकी हाइट है 1352 और शिमला की हाइट है 2206। तो इससे क्या मतलब है, इस हाइट से आप क्या समझते हैं? शिमला की हाइट 2200 मीटर है और पचमढ़ी की हाइट 1300 मीटर है, उससे क्या तात्पर्य है? हाइट फ्रॉम मीन सी लेवल, परफेक्टली अबव फ्रॉम द सी लेवल, वेरी ट्रू। करेक्ट। मैं कुछ अलग पूछ रहा हूं पाठक जी, मेरा क्वेश्चन बहुत स्पेसिफिक है। मैंने उस वीडियो में सारी बातें बताई हैं, जो मैं इसीलिए मैंने बोला था जीरो टू जीरो के नाइन के वीडियो को देख के आने के लिए। तो मीन सी लेवल से ये ऊपर है, यस एमएक्सएल अबव सी लेवल, अबव सी लेवल, सी लेवल, यस दैट इज ट्रू, बट माई क्वेश्चन इज शिमला इज अबव 2200 मीटर, पचमढ़ी इज अबव 1300 मीटर। यस, तो एक दो बातें यहां निकल के आई कि शिमला की हाइट हो या पचमढ़ी की हाइट हो या चंडीगढ़ की हाइट हो और या फिर अहमदाबाद की हाइट हो, नागपुर की हाइट हो, किसी जगह की हाइट हम सी लेवल से मेजर करते हैं, जिसे अल्टीट्यूड बोलते हैं। तो सी लेवल क्या हो गया? सी लेवल एक डेटम हो गया, जो अभी मैंने बोला सी लेवल एक डेटम हो गया, वो एक बेस हो गया जिसके रिस्पेक्ट में हम हाइट को नापेंगे। मूविंग एवरेज भी वही काम करता है प्राइस चार्ट के ऊपर में। विजुअली आपको नहीं समझ में आएगा अगर मूविंग एवरेज नहीं रहे। तो जैसे अनुपम जी ने लिखा कि शिमला जो है वो हायर अल्टीट्यूड पे सिचुएटेड है पचमढ़ी के कंपैरिजन में विथ रिस्पेक्ट टू सी लेवल। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यस सी लेवल, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम चार्ट को देखते हैं, तो जब प्राइस को देखते हैं तो सिंपल मूविंग एवरेज 20 है या एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 21 है, उससे प्राइस कितनी ऊपर या कितनी नीचे। सॉरी फ्रेंड्स, सो समझ में आई बात? तो डेटम जो है, डेटम इज वेरी इंपॉर्टेंट, किसी भी चीज में डेटम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डेटम को फिक्स किया जाता है मूविंग एवरेज के अनुसार। ओके, नाउ कमिंग बैक टू कि मूविंग एवरेज के ब्रॉडर कितने प्रकार के ब्रॉडर मूविंग एवरेजेस होते हैं।
क्या आप बता सकते हैं कितने प्रकार के ब्रॉडर मूविंग एवरेजेस होते हैं? Please show us on screen. What is to be shown on screen? स्क्रीन पे चलेंगे, पहले कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो जाए. अब पहले हम थ्योरी सीखते हैं ना, उसके बाद में प्रैक्टिकल करते हैं. मैंने तो वही किया है इंजीनियरिंग कॉलेज में, डॉक्टर लोग भी वही करते हैं. फर्स्ट टू इयर्स सीखते हैं, फिर क्लिनिकल एग्जामिनेशन वार्ड में जाके करते हैं. SMA, EMA. EMA, SMA. SMA, EMA. सिंपल एंड एक्सपोनेंशियल टू यूजिंग टू टाइप्स. ओके, डीएमए तो एक तरह से डेरिवेटिव, डीएमए कुछ नहीं है, इट इज कॉल्ड डेमा. चार्ट में चलेंगे, बिकॉज जीरो टू हीरो के 9 के ट्यूटोरियल वीडियो को अगर आपने देखा है तो उसमें सारी बातें कवर की गई हैं. ये प्योरली रिवीजन सेशन है जिसमें हम नॉलेज को फाइन ट्यून कर रहे हैं. चार्ट यूज करेंगे, पहले कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो जाए, पहले थ्योरी हो जाना चाहिए, उसके बाद प्रैक्टिकल करते हैं ना, कि कॉलेज में सीधा लैब में घुस जाते हैं बिना थ्योरी किए हुए. तो कॉन्सेप्ट सीखने का कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. सिंपल एंड एक्सपोनेंशियल. ओके, तो अधिकतर लोगों ने 2 मूविंग एवरेज लिखा है, सिंपल मूविंग एवरेज एंड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज. इनफैक्ट अगर तीसरा टाइप का मूविंग एवरेज है तो वो है वेटेड मूविंग एवरेज, WMA. तो सिंपल मूविंग एवरेज एंड वेटेड मूविंग एवरेज. ये देखिए, मैं आपको समझाता हूं. एक होता है सिंपल मूविंग एवरेज, SMA जिसे बोलते हैं. दूसरा होता है EMA, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज. और तीसरा होता है वेटेड मूविंग एवरेज, वेटेड मूविंग एवरेज. गॉट इट? ये 3 तरह के होते हैं. मैंने जीरो टू हीरो में वेटेड मूविंग एवरेज को जानबूझ के कवर नहीं, उसका कारण है, इसे नहीं कवर करने का एक बेसिक कारण था कि मैंने इसे कवर इसीलिए नहीं किया कि जो पर्पस वेटेड मूविंग एवरेज फुलफिल करता है वो पर्पस सिंपल मूविंग एवरेज भी कवर करता है. और इसीलिए मैंने जीरो टू हीरो की जो ट्यूटोरियल सीरीज है जिसकी सेपरेट प्लेलिस्ट है, उसमें हमने हमेशा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और सिंपल मूविंग एवरेज की बातें की. तो वेटेड मूविंग एवरेज भी एक मूविंग एवरेज होता है जो मोर और लेस बहुत ज्यादा सेंसिटिव नहीं है. यस, सिंपल मूविंग एवरेज से थोड़ा सेंसिटिव ज्यादा है. तो यहां पर यह बहुत इंपॉर्टेंट है समझना है कि 3 तरह के ब्रॉडर मूविंग एवरेज होते हैं और एक जो है वो होता है वॉल्यूम से रिलेटेड मूविंग एवरेज, जिसे हम बोलते हैं वॉल्यूम से रिलेटेड. क्या है मूविंग एवरेज? WMA. ये वॉल्यूम से रिलेटेड मूविंग एवरेज है.
इसका फुल फॉर्म क्या है? यस, श्रीराम ने लिखा है VWMA। इसका भी ट्यूटोरियल है जीरो टू हीरो के प्लेलिस्ट में। इसका फुल फॉर्म क्या है? वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज। वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज, वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सेलेंट, 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 एक्सेलेंट। तो यहां देखिए, सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तो हम सभी जानते हैं, ठीक है। अब वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज में क्या कॉन्सेप्ट है उसके बिहाइंड? वॉल्यूम वेटेड, सुनील जी ने भी परफेक्ट लिखाया। तो वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज में क्या ऐसी चीज की जाती है जो इसे सेंसिटिव बनाती है? तो अल्टीमेटली हमारा उद्देश्य क्या है? बुल्स एंड बेयर्स जो मार्केट में लगातार युद्ध कर रहे हैं, उसमें कौन से लोग ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रहे हैं? तो मूविंग एवरेज जितना रिस्पॉन्सिव होगा उतना जल्दी हमें पता लगेगा इस बारे में। तो वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज क्या करता है इस सेंसिटिविटी को बढ़ाने के लिए? कैन समबडी रिप्लाई? यस, वॉल्यूम वेटेड है, बट उसका मतलब क्या हुआ? कैन समबडी एक्सप्लेन कि वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज को जब मार्केट में सेंसिटिविटी का पता लगाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, तो उसको मोर सेंसिटिव बनाने के लिए कैसे उसे कैलकुलेट किया जाता है? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर फ्रेंड। इट इंडिकेट्स इंप्रूव्स द ट्रेडिंग ट्रेडेड वॉल्यूम। ओके, इंडिकेट्स पार्टिसिपेशन लेवल, सेंसिटिव फॉर वॉल्यूम। शोज वॉल्यूम ऑन प्राइस रेंज। May indicate the level of participation. It will consider the volume. It gives more weightage to volume. Okay. Volume को consider करते हैं. Volume average. Incorporates changes in volume also along the price. ओके, अशोक लीलैंड चार्ट, अशोक लीलैंड के चार्ट या कोई भी स्टॉक के बारे में एनालिसिस, कल फिर हम मिलेंगे 3 PM स्टॉक मार्केट के लाइव सेशन में। कल तो मंडे है, 9 PM स्टॉक मार्केट पल्स का भी लाइव स्ट्रीमिंग सेशन आएगा। तो लाइव स्ट्रीमिंग सेशन ऑलमोस्ट डेली है आपके चैनल में। आज ये इसको लर्निंग का सब्जेक्ट रखे, मास्टर क्लास का, हम स्टॉक स्पेसिफिक चर्चा आज नहीं करेंगे। तो देखिए, आप लोगों ने आंसर तो दिया, इतना समझ में आ रहा है आपको कि वॉल्यूम को कंसीडर किया जाता है, लेकिन वॉल्यूम का वेटेज कैसे निकाला जाता है यह समझना अत्यंत आवश्यक। तो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूं वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज से, कि कंसेप्ट के हिसाब से समझना इसे अत्यंत आवश्यक होता है। तो आप देखिए, फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको यहां पर एक्सप्लेन करता हूं।
एक स्टॉक है जिसकी क्लोजिंग प्राइस है 100 रुपीज, ठीक है, ये स्टॉक की क्लोजिंग प्राइस है, ये है क्लोजिंग प्राइस। और जब ये प्राइस क्लोज हुई तो उस दिन वॉल्यूम था 100 शेयर्स ट्रेड हुए, ओके। तो क्लोजिंग प्राइस मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स ट्रेडेड, वही तो वॉल्यूम हुआ ना, नंबर ऑफ शेयर्स ट्रेडेड मतलब वॉल्यूम हो गया, ये इज इक्वल टू कितना हुआ, 10,000, ठीक है ना, मैं कैलकुलेशन ठीक कर रहा हूं दोस्तों, 10,000। तो इसमें क्या हुआ, ये वॉल्यूम हो गया और ये प्राइस हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया कि उस क्लोजिंग प्राइस से टोटल शेयर निकल गया। अब मान लीजिए VWMA अगर हमको 10 पीरियड का निकालना है, इसकी वैल्यू निकालना है 10 पीरियड, पीरियड कुछ भी हो सकता है, और 10 पीरियड के दौरान में जो टोटल शेयर ट्रेड हुए हैं वो मान लीजिए 1000 शेयर ट्रेड हुए हैं, ये 10 दिन का वॉल्यूम है पिछले, क्योंकि हम 10 पीरियड की बात कर रहे हैं, तो VWMA की वैल्यू आएगी, करंट वैल्यू आएगी 10,000 डिवाइडेड बाय 1000, तो कितना हो गया 10। तो इस तरह से ये कॉन्स्टेंटली प्लॉट होता है, इस तरह से ये कॉन्स्टेंटली प्लॉट होता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुए, उसके कॉन्सेप्ट को समझना होगा। ये तो थ्योरी हो गई कि वॉल्यूम का वेटेज हम देते हैं, बट डू वी अंडरस्टैंड कंसेप्चुअली, कैन आई कैलकुलेट दी वैल्यू ऑफ वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेजेस। तो अभी मैंने एग्जांपल से उसे समझाया। अब यहां पर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और सिंपल मूविंग, ये दो मूविंग एवरेज है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और सिंपल मूविंग एवरेज, जिसका ब्रॉडली हम इस्तेमाल करते हैं। तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में और सिंपल मूविंग एवरेज में डिफरेंस क्या, डिफरेंस क्या है दोनों? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ सिंपल मूविंग एवरेज एंड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज? EMA is more sensitive. Very good. Excellent. More weightage to the recent price action in EMA and hence it is more sensitive. Recent price action को ज्यादा weightage दिया जाता है। SMA is average in period and EMA's recent price weightage is more. Very true. Yes, it is a normal average. Yes, recent price action को ज्यादा वेटेज देता है। नहीं, इंक्रीमेंटल वैल्यू नहीं है अश्विन, इंक्रीमेंटल वैल्यू नहीं है, यहां हमें करेक्ट करना होगा, पर्पज ही है सेशन का कि जो आपने सीखा है उसको फाइन ट्यून कर सके। इंक्रीमेंटल एक्शन नहीं है, इंक्रीमेंटल आप बोल सकते हैं, बट रीसेंट प्राइस को ज्यादा वेटेज देता है ताकि उसकी सेंसिटिविटी बढ़ जाए।
जैसे 20 पीरियड का अगर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है तो पिछले 5 दिन के प्राइस एक्शन का वेटेज जो है उसमें अधिक हो पहले 15 दिन के कंपैरिजन। तो इसके लिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर यूज होता है, इसके लिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर यूज होता है। यस, मोर इंपॉर्टेंस टू द रीसेंट प्राइस एक्शन। यस, सो अगर ईएमए मोर सेंसिटिव है, अगर एक्सपोनेंशियल एवरेज मोर सेंसिटिव है सिंपल मूविंग एवरेज के कंपैरिजन में, तो दोनों का अलग अलग प्रकार से इस्तेमाल कैसे होता है? अगर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज मोर सेंसिटिव है और सिंपल मूविंग एवरेजेस लेस सेंसिटिव है, तो दोनों का किस प्रकार से हम इस्तेमाल करते हैं? किस प्रकार से हम दोनों की स्टडी करते हैं? किस वक्त में हमें एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को देखना चाहिए और किस वक्त में हमें सिंपल मूविंग एवरेज को देखना चाहिए जब हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं? ब्रॉड आइडिया ऑफ ट्रेंड। We should use EMA for short-term trade and SMA for medium and long-term. Perfectly. Shri Ram ने बिल्कुल करेक्ट लिखा है। देखिए बहुत सिंपल बात है। For shorter period EMA, longer period SMA. Very true. Shorter period. EMA used for tight stop loss. No. EMA is not used for stop loss. Stop loss is either guided by the volatility of the market or is guided by the market structure. So stop loss के लिए EMA को या SMA को use मत कीजिए क्योंकि वो dangerous हो सकता है। EMA short term. थोड़े सेम के लिए ईएमए समय के लिए और लंबे समय के लिए एसएमए। अब आप देखिए, आप अगर एसएमए 200 को चार्ट पे डालें और सिंपल मूविंग एवरेज 200 या एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 200 को डालें, तो सिंस एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की सेंसिटिविटी रीसेंट प्राइस एक्शन को ले रही है, तो डजंट मैटर आप लॉन्ग टर्म के लिए वेटेड मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करें, सिंपल मूविंग एवरेजेस का इस्तेमाल करें, क्योंकि लॉन्गर पीरियड के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, 100 पीरियड के लिए, 200 पीरियड के लिए। ओके, नाउ मूविंग एवरेज का इस्तेमाल किन मूविंग एवरेज का इस्तेमाल किन किन पर्पस के लिए किया जाता है? मूविंग एवरेज का इस्तेमाल किन किन पर्पस के लिए किया जाता है? मूविंग एवरेज का इस्तेमाल क्या है टेक्निकल एनालिसिस में? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ट्रेंड एनालिसिस, ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन, सपोर्ट रेजिस्टेंस, डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, आइडेंटिफाई प्रिवेलिंग ट्रेंड,
to identify trend reversal, identify trend, to take a trade, very true. Helps in identifying trend, its position and slope plays an important role. Very good. Trend analysis, trading signal, support and resistance. Trend analysis, trend, support, resistance. Identify trend. Okay. So virtually देखें तो सबसे पहला काम तो है कि जैसा मैंने बोला कि डेटम की तरह यूज होता है, तो प्राइस कहां पे ट्रेड हो रही है विद रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर मूविंग एवरेज जो आपने सेलेक्ट किया. ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन होता है, कौन सी मूविंग एवरेज पीरियड किसके ऊपर में है, कौन सी मूविंग एवरेज किसके नीचे में है, इससे ट्रेंड का पता लगता है. और साथ में ट्रेंड का कंफर्मेशन का, बाकी आपने लिखा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस. तो मूविंग एवरेज जो है वो स्टैटिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को नहीं, डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करता है. तो मूविंग एवरेजेस के कई इस्तेमाल हैं, जो जैसे किसी ने लिखा कि ट्रेडिंग सिग्नल्स मिलते हैं मूविंग एवरेजेस से, ये स्मूथ आउट करता है प्राइस को, जो आपने शुरू में लिखा था, तो मार्केट के नॉइजेस को फिल्टर आउट करता है. तो इस तरह से बहुत सारे यूजेस हैं मूविंग एवरेज के. मूविंग एवरेज ओवरबॉट और ओवरसोल्ड कंडीशन को भी बताता है. ओवरबॉट, अगर आप एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं, एक्सपीरियंस टेक्निकल एनालिस्ट हैं, तो आपको स्टोकास्टिक आरएसआई एमएससीडी की आवश्यकता नहीं है ओवरसोल्ड एंड ओवरबॉट कंडीशन को समझने के लिए. वो मूविंग एवरेज आपको मदद कर सकता है ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड कंडीशन को पता लगा. तो यहां बातें तो क्लियर हुई. अगर मैं आपसे पूछूं कि मूविंग एवरेज एक लैगिंग इंडिकेटर है कि लीडिंग इंडिकेटर, मूविंग एवरेज एक लीडिंग इंडिकेटर है कि लैगिंग इंडिकेटर है? जवाब दीजिए, यह तो बहुत आसान क्वेश्चन है, सभी लोग को जवाब देना चाहिए. लैगिंग है कि लीडिंग है? सो मैं पढ़ता हूं, काफी लोगों ने जवाब दिया है. लैगिंग 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 लैगिंग. और श्रीराम ने उसको क्लैरिफाई कर दिया, बिकॉज इट इज डिराइविंग द डेटा फ्रॉम द पास्ट प्राइस एक्शन एंड हेंस इट इज अ लैगिंग इंडिकेटर. लैगिंग 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 एज इट वर्क्स ऑन द पास्ट प्राइस, करेक्ट. लैगिंग लैगिंग, तो ये एक लैगिंग इंडिकेटर. तो सबसे बड़े, अगर मूविंग एवरेजेस के सबसे बड़ा लिमिटेशन को जाने, तो इसका सबसे बड़ा लिमिटेशन है कि वो लैगिंग इंडिकेटर. दूसरा लिमिटेशन क्या है मूविंग एवरेज का? करेक्ट, जितना ज्यादा दिन का होगा उतना ज्यादा लैगिंग होगा. आशीष ने इसको और रिफाइन करके जवाब दिया है. अगर 200 दिन के मूविंग एवरेजेस को देख रहे हैं एसएमए 200 को, तो उसमें लैग ज्यादा होगा अगर सिंपल मूविंग एवरेज 20 से कंपेयर करेंगे.
दूसरा एक और लिमिटेशन है मूविंग एवरेज का, क्या कोई बता सकता है? वैसे आशीष ने उसका जवाब दे दिया है, लॉन्गर द टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बिगर द टाइम लॉ, करेक्ट। एलिमिनेट्स मार्केट नॉइजेस, वेरी ट्रू। ना क्वेश्चन यहां पे उठता है कि सबसे बड़ी बात है कि इसका जो टाइम पीरियड हम सेलेक्ट करते हैं वो भी तो एक लिमिटेशन है। क्या आप में से मुझे कोई बता सकता है कि मूविंग एवरेज का जो टाइम पीरियड सेलेक्ट करते हैं तो कौन सा टाइम पीरियड परफेक्ट है जो हमें हम चार्ट के ऊपर में सेलेक्ट करते हैं, कौन सा टाइम पीरियड का मूविंग एवरेज परफेक्ट? आपके अनुसार कौन सा टाइम पीरियड का मूविंग एवरेज परफेक्ट है? There is no time period in this world perfect, absolutely perfect. मैं ये क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूं दोस्तों, no time period is perfect. मुनि जी ने भी दिया perfect. नो, मैं moving average के time period को पूछ रहा हूं, कोई भी time period perfect नहीं होता है moving average का। None. All are correct based on the view which we want to pursue. No time period is perfect. We should find out the time period as per the financial market and experience in studies. ये answer बहुत correct है। सही period का अगर आपको पता लगाना है, आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, कमोडिटी मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, फॉरेक्स मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, बॉन्ड मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, यूएस मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, सिंगापुर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं या लंदन के स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, तो आपको एक्सपेरिमेंट करके देखना होगा कि कौन सा मूविंग एवरेज किस पर्टिकुलर स्टॉक में, किस पर्टिकुलर इंडेक्स में, किस पर्टिकुलर मार्केट में बेहतर तरीके से काम कर। और इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मूविंग एवरेज का टाइम पीरियड कुछ सेक्रोसेंट नहीं है कि ये टाइम पीरियड परफेक्ट है, ऐसा कुछ भी चीज नहीं होती है मार्केट में। एवरी ट्रेडर हैज अ डिफरेंट टाइम पीरियड। Selection of the moving average is very, very important depending upon the market in which you trade. And sometimes, एक particular stock को जब आप analyze कर रहे हैं, तो उस stock में कोई particular moving average बेहतर काम करेंगे। Okay. Every time is perfect for individual, but 200 used for many people. Okay. So, सबसे पहली बात तो ये है कि common use होने वाले moving averages कौन से? Common use होने वाले moving averages कौन से हैं? Common use होने वाले हैं 5 period, 10 period, 20 period, 30 पीरियड, 50 पीरियड, 100 पीरियड,
200 पीरियड, ये कॉमन यूज होने वाले मूविंग एवरेज है। लेकिन हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, हम लोग इस्तेमाल करते हैं 21 पीरियड, 55 पीरियड, 89 पीरियड, 144 पीरियड एंड 233 पीरियड। ये क्यों इस्तेमाल करते हैं, कैन यू आंसर, हम लोग इस टाइम पीरियड को क्यों इस्तेमाल करते हैं? फाइव, टेन, थर्टी, ट्वेंटी वन, 89, 144, 233, 10, 20, 50, 100, 200, करेक्ट। यस कैलाश, ये तो हम लोग यूज कर रहे हैं। और हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं इन ऑड नंबर्स को, 21, 55, 89, 144, 233, ऐसा क्यों यूज कर रहे हैं? ये फिब लेवल्स नहीं है क्षितिज, ये फिब लेवल्स नहीं है, ये फिबोनाची सीक्वेंस के नंबर्स हैं। फिब लेवल्स अलग चीज है क्योंकि वो रेशियोज है, ये जो है फिब नंबर्स है, फिब सीक्वेंस है। यस, अनुपम जी ने लिखा 21, 33, 89, 144, 233। आप इसको चाहे तो 34 कर सकते हैं क्योंकि 34 जो है वो फिबोनाची सीक्वेंस है और एक 55 भी होगा बीच में। I'm really interested in your video, if you use English it will be helpful for me to follow. See, I do 9 p.m. stock market pulse. That is a live streaming session that comes on your channel every Monday and every Thursday. That is purely on English. And if you want to see the English videos, I have 3 channels. One is DK Sinha, which is in Hindi. Second is DK, which is in English. And Finance with DK is in English. So out of 3 channels, 2 are in English. Yes, these are Fibonacci numbers. Correct. Okay. Now, what is the standard definition of golden cross and death cross? What is the standard definition of golden cross and death cross? आज सारा रिविजन हो जाएगा मूविंग एवरेज से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं। वॉट इज द डेफिनेशन ऑफ गोल्डन क्रॉस, एक एक करके जवाब दीजिए। चलिए गोल्डन क्रॉस पहले बोलिए। यस यस, डेथ क्रॉस EMA 21 क्रॉसेस SMA 239। नो क्षितिज, इसीलिए बार बार जीरो टू हीरो के प्लेलिस्ट के वीडियोस को देखना, समझना, रिवीजन करना बहुत जरूरी है। फिफ्टी क्रॉसेस 200 इज अ गोल्डन क्रॉस, वेल डन, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। स्टैंडर्ड डेफिनेशन ये नहीं है श्रीराम, स्टैंडर्ड डेफिनेशन है जो ग्लोबल एक्सेप्टेंस है,
जब आप न्यूज़पेपर में पढ़ेंगे कि गोल्डन क्रॉस हो गया है तो उसका मतलब है सिंपल मूविंग एवरेज 50 ने क्रॉसओवर किया है सिंपल मूविंग एवरेज 200 को। यस 50 क्रॉसओवर एसएमए 200 विवोर इज 100% राइट 50 200। नो 21 से इसका कोई लेना देना नहीं है ईएमए 21 से। यस मुनी ने बहुत स्पेसिफिक कर दिया है जब 50 सिंपल मूविंग एवरेज क्रॉसओवर करे सिंपल मूविंग एवरेज 200 को डेली टाइम फ्रेम में। ये डेफिनेशन जो है डेली बेसिस पे है, ये वीकली मंथली इससे इसका लेना देना कुछ भी नहीं है। एंड जब 50 सिंपल मूविंग एवरेज क्रॉस अंडर कर जाए एसएमए 200 को सिंपल मूविंग एवरेज 200 को तो डेथ क्रॉस उसे बोलते हैं। नहीं स्टैंडर्ड डेफिनेशन ईएमए से रिलेटेड है ही नहीं। इट इज सिंपल मूविंग एवरेज 50 वर्सेस सिंपल मूविंग एवरेज 200। यस 50 क्रॉसेस ओवर 200 गोल्डन क्रॉस। यस डेथ क्रॉस। It is not the question of correctness, Chitiz. It is the question of standard definition. जैसे आप आर्काइव में से पुराने न्यूज़पेपर निकालेंगे तो कई बार डेथ क्रॉस हुआ है। जैसे नॉर्मली देखा गया है कि अगर डेथ क्रॉस होता है 1929 में हुआ, मुझे जो जो याद है मैं बता रहा हूं 1974 में हुआ डेथ क्रॉस। उसके बाद इफ आई रिमेंबर करेक्टली 2008 में हुआ, ये वेबोर ने लिख दिया। मैं याद कर रहा था 1929, 38, 74, 2008 साथ में कई बार। क्या डेथ क्रॉस जो है, क्या डेथ क्रॉस जो है ये सिग्नल हमेशा करेक्ट होते? क्या डेथ क्रॉस सिग्नल, लोग बोलते हैं ना 2008 में बहुत हमें नुकसान हो गया बेयर मार्केट में, अगर वो डेथ क्रॉस के समय भी निकल गए होते तो अपने आधे नुकसान को वो बचा सकते थे। यस आशीष ने लिखा है 2016-2018 में फॉल्स हुआ था। यस विभोर ने भी दिया आंसर। So it is not always correct. और इसीलिए टेक्निकल एनालिसिस में यह बार बार बोला जाता है कि जब भी हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो हमें किसी स्टडी को अलोन नहीं करना चाहिए, स्टैंड अलोन बेसिस पे नहीं करना चाहिए। हमें इन कंजंक्शन विद अदर टेक्निकल स्टडीज जब करेंगे तब जाके एक्यूरेसी बढ़ेगी। नो ईएमए 55-233 स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है, ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है।
विच वन शुड बी यूज्ड? सी वेरी सिंपल है क्षितिज, अगर आपने डेफिनेशन समझी है सिंपल मूविंग एवरेज की, क्या फर्क पड़ता है सिंपल मूविंग एवरेज 200, सिंपल मूविंग एवरेज 233 को यूज करें? जब लॉन्ग टर्म में सेंसिटिवनेस बहुत कम है लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस की, बट स्टैंडर्ड डेफिनेशन को फॉलो करने से क्या होगा कि आप उसे कोरिलेट कर पाएंगे ग्लोबल न्यूज के साथ में। डेथ क्रॉस ऑब्जर्व्ड इन जर्मनी, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि डैक्स इंडेक्स में क्या हुआ। डेथ क्रॉस ऑब्जर्व्ड इन इंडियन स्टॉक मार्केट, यू नो व्हाट इज हैपेंड इन निफ्टी 50। सो स्टैंडर्ड डेफिनेशन इज समथिंग एल्स, बाकी तो मूविंग एवरेज आप जो कंफर्टेबल फील करते हैं उसे इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट का सब्जेक्ट है। डेथ क्रॉस एंड गोल्डन क्रॉस गिव्स दी प्रायर हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रेंड रिवर्सल। यस, देयर इज अ चेंज इन दी मार्केट एक्सपेक्टेशन। जब भी गोल्डन क्रॉस होता है तो पहली चीज क्या इंडिकेट करता है, जब भी गोल्डन क्रॉस होगा तो सेलिंग प्रेशर घट गया है, क्योंकि पिछले 50 दिन का जो एवरेज है प्राइस का वो पिछले 200 दिन के प्राइस से अधिक हो चुका है। और ये अधिक कब होगा, जब बुल्स कंट्रोल में आएंगे स्लोली एंड स्लोली अबव बेयर्स, क्योंकि डेथ क्रॉस के बाद में गोल्डन क्रॉस हो रहा है। तो डेथ क्रॉस के समय में बेयर्स जो थे वो डोमिनेट कर रहे थे, और स्लोली एंड स्लोली जब सिंपल मूविंग एवरेज 50 क्रॉसओवर करती है सिंपल मूविंग एवरेज 200 को, तो क्या हो रहा है, पिछले 50 दिन का एवरेज जो है वो अधिक हो चुका है पिछले 200 दिन के एवरेज। और ये पिछले 200 दिन में वो पीरियड भी शामिल है जो डेथ क्रॉस के बाद का पीरियड। तो मार्केट का एक्सपेक्टेशन चेंज हो गया है, जो पहले बेयर्स में स्ट्रेंथ थी गोल्डन क्रॉस इंडिकेट करता है कि अब बुल्स कंट्रोल में आ रहे हैं, तो मार्केट जो बेयर था अब बुलिश टेरिटरी में आ चुका है। गोल्डन क्रॉस के समय में इनवेरिएबली प्राइस चार्ट के ऊपर में आप देखेंगे तो आपको अक्यूमुलेशन फेज नजर आएगा, आपको रिवर्सल चार्ट पैटर्न नजर आएंगे, जो एक कंफर्मेशन होंगे कि ट्रेंड का रिवर्सल हो रहा है। गॉट इट? तो अब दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, बॉलिंजर बैंड, आपने बॉलिंजर बैंड के बारे में पढ़ाई की है, जीरो टू हीरो में उसका ट्यूटोरियल वीडियो है। बॉलिंजर बैंड्स में के बारे में ट्यूटोरियल वीडियो जो वोलेटिलिटी इंडिकेटर, तो क्या आप बता सकते हैं कि बॉलिंजर बैंड्स में बॉलिंजर ने किस मूविंग एवरेज का इस्तेमाल किया, बॉलिंजर ने किस मूविंग एवरेज का इस्तेमाल किया था बॉलिंजर बैंड्स में? ट्वेंटी, परफेक्ट। तो अगर मैं आपसे पूछूं, नो, नाइन नहीं है, ट्वेंटी है, ट्वेंटी सिंपल मूविंग एवरेज 20 का इस्तेमाल किया था बॉलिंजर ने। तो बॉलिंजर बैंड का जो मीडियन होता है, बॉलिंजर बैंड का जो मीडियन होता है वो मैं आपको दिखाता हूं, या आप देखिए मैं चार्ट के ऊपर में आपको बताता हूं। ये देखिए बॉलिंजर बैंड में, ये बॉलिंजर बैंड में जो बीच की लाइन है ये मीडियन है, और ये है सिंपल मूविंग एवरेज 20, और ये अपर बैंड है और लोअर बैंड है, इसको स्टैंडर्ड डेविएशन यूज किया गया है 2%। तो ये बेस लाइन जो है इसका आधार है बॉलिंजर बैंड के डिजाइन करने में, और ये सिंपल मूविंग एवरेज है जो बॉलिंजर बैंड के मीडियन को इंडिकेट करती है।
ओके एसएमए 20 एसएमए परफेक्ट। अब दूसरा दोस्तों कि अगर मैं आपसे ये पूछूं मीन रिवर्जन से आप क्या मतलब समझते हैं, मीन रिवर्जन से आप क्या मतलब समझते हैं, व्हाट इज मीन रिवर्जन? व्हाई यूज फिबोनाची नंबर्स? मैंने शुरू में ही बोला आपको एक्सपेरिमेंट करने करके देखना होगा अलग अलग मार्केट में अलग अलग सिक्योरिटीज के ऊपर में, एंड देन यू हैव टू कॉल अ डिसीजन। सो अगर आपको लगता है कि ईएमए 21 इज नॉट वर्किंग, ईएमए 5 इज वर्किंग, डू इट। अल्टीमेटली किसी भी सब्जेक्ट को हम कॉन्सेप्चुअली समझते हैं। जहां तक लॉन्ग टर्म पीरियड का सवाल है, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक साल में कितने ट्रेडिंग सेशन होते हैं, एक साल में कितने ट्रेडिंग डेज होते हैं, कितने ट्रेडिंग डेज होते हैं एक साल में? थ्रोबैक आफ्टर एक्सटेंशन एक्सपेक्टेड करेक्शन। यस मुनीराज ने करेक्ट डेफिनेशन लिखी है, प्राइस ऑलवेज फॉलोज इट्स एवरेज प्राइस। मीन रिवर्जन का मतलब है कि प्राइस ऊपर जाएगी और जब ओवर एक्सटेंडेड हो जाएगी तो फिर करेक्शन होगा, क्योंकि प्राइस हमेशा अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म टाइम में अपने एवरेज प्राइस के आसपास रहना चाहते। तो जब मार्केट ट्रेंडिंग है, अप ट्रेंडिंग है या डाउन ट्रेंडिंग है, उस समय पे मीन रिवर्जन जब भी होता है वो आपको एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देता है। टू हंड्रेड डेज। हर मार्केट में थोड़ा सा अलग होगा। अगर आप यूएस मार्केट में देखेंगे तो 250 डेज या 253 डेज रहते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि किस साल 29 डेज का फरवरी है। तो अगर हॉलीडेज को माइनस कर दें, सैटरडे संडे को माइनस कर दें 365 डेज में, तो एक साल का जो ट्रेडिंग पीरियड होता है 252 या 253 होता है। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं टेक्निकल एनालिस्ट जो एक साल के पर्सपेक्टिव को समझने के लिए वो एसएमए 200 स्टैंडर्ड डेफिनेशन को भी यूज करते हैं। जैसे आपने देखा होगा मेरे प्राइस चार्ट में एसएमए 200 भी होता है, एसएमए 233 भी होता है। बहुत सारे टेक्निकल एनालिस्ट हैं जो अपने चार्ट पर सिंपल मूविंग एवरेज 250 को रखते हैं, तो बहुत एक साल के पीरियड को रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ, जहां पे ज्यादा हॉलीडेज रहेंगे वो 240 भी हो सकता है। अब यही कारण था कि 233 एक फिबोनाची सीक्वेंस का नंबर्स भी है और साथ में ये ज्यादा अप्रोक्सीमेट करता है एक साल के ट्रेडिंग सेशन को, एंड हेंस वी आर यूजिंग एसएमए 233। डजंट मैटर। गॉट इट? जब मूविंग एवरेज को हम देखते हैं तो हमें किन किन चीजों को ध्यान से देखना चाहिए प्राइस चार्ट पर? जब हम मूविंग एवरेज को देखते हैं तो किन किन एस्पेक्ट को हमें मूविंग एवरेज में चेक करना चाहिए? कैन यू टेल कौन से एस्पेक्ट को मूविंग एवरेज में हमें चेक करना चाहिए? स्लोप, वेरी गुड।
Slope of moving average. Very good. Slope. Slope. Perfect answer. Moving average का slope तो देखना चाहिए, moving average की position भी देखना है दूसरे moving average के प्रति. Yes, slope and position. Slope and position. क्रॉसओवर तो एक इवेंट हुआ उमा जी. क्रॉसओवर ऑफ मूविंग एवरेज और क्रॉस अंडर ऑफ मूविंग एवरेज इज एन इवेंट. बट व्हेन वी लुक एट द मूविंग एवरेज ब्रॉडर, हमें क्या देखना चाहिए? पोजीशन एंड स्लोप. जैसे मैं आपको इस चार्ट में बताता हूं, ये देखिए स्लोप अपवर्ड है. क्या इंडिकेट करता है? शॉर्ट टर्म ट्रेंड में स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है. तो स्लोप अपवर्ड है मतलब अप ट्रेंडिंग मूवमेंट है शॉर्ट टर्म. लॉन्ग टर्म एवरेजेस को देखिए, इनके स्लोप भी अपवर्ड है. ये हमने स्लोप किया. अब हम क्या देखते हैं, ईएमए 21 ईएमए 55 के ऊपर, मतलब शॉर्ट टर्म ट्रेंड में पिछले 20 दिनों का, पिछले 21 डेज का जो एवरेज है वो पिछले 55 डेज के एवरेज से अधिक है. इसका मतलब अभी बुल्स जो है फुल्ली कंट्रोल में है. ईएमए 55 जो है वो पोजीशन है एसएमए 200 के ऊपर, एसएमए 233 के ऊपर, एसएमए 144 के ऊपर. तो ये प्लेसमेंट बहुत जरूरी है. तो पहला चीज हो गया स्लोप. स्लोप हमें देखना चाहिए. देखिए ये जो डाउन ट्रेंडिंग था, स्लोप डाउनवर्ड था, डाउनवर्ड मूविंग एवरेजेस का. और यहां पर जब ट्रेंड रिवर्सल हुआ तो ये देखिए ट्रेंड रिवर्सल में हमें रिवर्सल चार्ट पैटर्न नजर आया है. यहां मैं खींच देता हूं, ये देखिए लेफ्ट शोल्डर है, हेड है, राइट शोल्डर है, ब्रेकआउट हुआ और ये देखिए इसका स्लोप टर्न हो गया. जैसे ही रिवर्सल चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ, स्लोप अपवर्ड हो गया, तो ये ट्रेंड का रिवर्सल हुआ. तो हमें स्लोप देखना है, पोजीशन देखना है अलग अलग टाइम पीरियड के मूविंग एवरेज की, और तीसरा देखना है प्राइस जो है, प्राइस जो है वो मूविंग एवरेज के रिस्पेक्ट में ऊपर है कि नीचे है. यहां पर देखिए प्राइस ईएमए 21 के ऊपर है, यहां पर प्राइस ईएमए 21 के नीचे है, बट ईएमए 55 के ऊपर है. तभी तो ये डेटम का काम करेगा. जैसे मीन सी लेवल से शिमला की हाइट या पचमढ़ी की हाइट देखते हैं, तो वैसे ही यहां पर अगर हम इसे डिफाइन करें कि ईएमए 55 जो है वो शिमला है और ये पचमढ़ी है, तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में हमें प्राइस की पोजीशन है. तो पोजीशन ऑफ द प्राइस, पोजीशन ऑफ द मूविंग एवरेज अलग अलग टाइम पीरियड्स के, एंड स्लोप ऑफ द मूविंग एवरेज, ये इंपॉर्टेंट है. आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड ना क्षितिज. वैसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सारे ट्यूटोरियल वीडियोस जो जीरो टू हीरो के हैं, कभी तो कभी कोर्स खत्म करना पड़ेगा अगर हम सिंसियर हैं स्टॉक मार्केट. पीसमील बेसिस पर लर्निंग कभी नहीं होती है. ये मेरा सिंसियर रिक्वेस्ट है कि सभी लोग जो स्टॉक मार्केट में सीखना चाहते हैं, जीरो टू हीरो की प्लेलिस्ट के सारे वीडियो को आप देखें. ओके, अब मैं एक आखिरी क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं और ये क्वेश्चन रिलेटेड है जिसमें बहुत ही साउंड तरीके के ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है, बहुत साउंड तरीके से ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है. पियर्स थ्रू एक्शन, पियर्स थ्रू एक्शन से आप क्या समझते हैं? अगर मैं बोलूं
पियर्स। सिंस हम मूविंग एवरेज की बात कर रहे हैं तो इसलिए पियर्स थ्रू को समझना बहुत जरूरी है। पियर्स थ्रू से मतलब क्या समझते हैं आप? पियर्स थ्रू एक्शन से आप क्या समझते हैं? पियर्स थ्रू एक्शन से हम क्या समझते हैं? कैन समबडी रिप्लाई? नहीं, पियर्स थ्रू जो है वो कभी भी ब्रेकआउट से रिलेटेड नहीं है। ब्रेकआउट तो की रेजिस्टेंस का होगा या की सपोर्ट का होगा। नहीं, एक्सप्लेन द फिनोमेनन व्हाट इज पियर्सिंग थ्रू। Crossing point of moving average, yes. Crossing up and down, yes. चलिए मैं आपको चार्ट के ऊपर में समझाता हूं। यह बहुत पावरफुल प्राइस एक्शन है। ये देखिए, मैं यहां पर आपको चार्ट को थोड़ा बड़ा कर रहा हूं ताकि आप समझ सके। ये देखिए अप ट्रेंडिंग था, यहां करेक्शन हुआ और इस कैंडल को ध्यान से देखें। इस कैंडल ने क्रॉस थ्रू किया नीचे, सिंपल मूविंग एवरेज EMA 21 के नीचे में इसकी शैडो गई, लेकिन प्राइस अल्टीमेटली रिकवर होके क्लोज हुई EMA 21 के ऊपर और क्या बना? बुलिश पिन बार का फॉर्मेशन बना। ये इतना पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न है, इतना पावरफुल प्राइस एक्शन है कि आपकी एक्यूरेसी ट्रेडिंग में, लॉन्ग ट्रेड में या शॉर्ट ट्रेड में बहुत अच्छी इंप्रूव हो सकती है। तो यहां पर देखिए, पियर्सिंग थ्रू ऑफ मूविंग एवरेज EMA 21, पियर्सिंग थ्रू मूविंग एवरेज, उसके बाद प्राइस ऊपर चली गई। यहां देखिए, पियर्सिंग थ्रू, फिर प्राइस ऊपर चली गई। इस तरह के प्राइस एक्शन को मिलेंगे। बहुत सारे ट्रेडर दुनिया के ऐसे हैं, जानता हूं मैं, केवल इस प्राइस एक्शन पे ही काम करते हैं। बहुत तरह के आपको प्राइस एक्शन इस तरह के मिले। यहां देखिए, फिर मिला आपको पियर्स थ्रू और ये प्राइस ऊपर गई। तो यहां पर प्राइस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बहुत सिंपल है। इस कैंडल के हाई के ऊपर में मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगाना है, जो आपको जीरो टू हीरो के प्लेलिस्ट के वीडियोस में, ट्यूटोरियल वीडियोस में सिखाया गया है। छोटा सा स्टॉप लॉस होगा, आर की वैल्यू जो है बहुत कम होगी और आपको 1:2 का रिस्क टू रिवार्ड रेशियो इनवेरिएबली मिल सकता है। ये देखिए, यहां रिस्क कितना छोटा था और ये रिवार्ड देखिए कितना बड़ा था। मैं आपको कई ऐसा दिखा सकता हूं पियर्स थ्रू। यहां पर देखिए पियर्स थ्रू एक्शन, अभी तक मैंने EMA 21 पे दिखाया, यहां पर EMA 55 पर आपको पियर्स थ्रू एक्शन है। इसके हाई के ऊपर एंटर करना, यहां स्टॉप लॉस, और ये देखिए कितना ब्यूटीफुल ट्रेड साबित हुआ, एक बहुत अच्छा ट्रेड साबित हुआ। ऐसे ही डाउन ट्रेंड में आप देखिए, यहां पर ये डाउन ट्रेंडिंग मार्केट था, यहां डाउन ट्रेंडिंग मार्केट में शॉर्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी। ये देखिए, यहां पे पियर्स थ्रू एक्शन, ये प्राइस ऊपर तो गई, लार्ज अपर शैडो बना, शूटिंग स्टार का फॉर्मेशन हुआ और मार्केट गिर गई। ये शॉर्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी है।
यहां देखिए मूविंग एवरेज का डबल बॉटम बना, ये डाउन ट्रेंडिंग मार्केट था, ये प्राइस चार्ट पैटर्न मिला, इसको अक्यूमुलेशन फेज बन सकते हैं क्योंकि इस रेंज में ट्रेडिंग हो रही थी, इसका यहाँ ब्रेकआउट हुआ, पहले क्रॉसओवर किया EMA 21 ने EMA 55 को, उसके बाद आप देखिए यहाँ पे गोल्डन क्रॉस हुआ और इसके बाद में ट्रेंड चेंज होता हुआ नजर आया, जो सारे मूविंग एवरेज के स्लोप डाउनवर्ड थे, सारे मूविंग एवरेज के स्लोप अपवर्ड चले गए। मार्केट का स्ट्रक्चर पहले लोअर हाइज एंड लोअर लोस का था, अब मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज होता चला गया और हायर हाइज एंड हायर लोस का मार्केट स्ट्रक्चर बनता हुआ चला गया। फिर यहां पर देखिए फिर से यहां पर डाउन ट्रेंड की शुरुआत हुई, तो ये जो मार्केट में डाउन ट्रेंड है और अप ट्रेंड है, ये एक साइक्लिक फिनोमेनन है मार्केट में। यहां देखिए फिर यहां पर आप देखिए यहां पे गोल्डन क्रॉस हुआ और मार्केट का एक्सपेक्टेशन चेंज हो गया, लेकिन गोल्डन क्रॉस होने के पहले, काफी पहले मार्केट आपको ये सिग्नल दे देता है रिवर्सल चार्ट पैटर्न के अनुसार कि ट्रेंड का रिवर्सल हो रहा है। लेकिन ट्रेंड रिवर्सल के समय में स्लोप को ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है। जब भी डाउन ट्रेंडिंग मार्केट के बाद में ट्रेंड रिवर्सल होगा तो सबसे पहले EMA 21 विल क्रॉस ओवर EMA 55। अगर आप 20-50 यूज करते हैं तो उसे देखिए, डजंट मैटर, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके देखिए कि कौन सा आपको सूटेबल लगता है उस पर्टिकुलर स्टॉक में। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक सिंपल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बताता हूं, ये पीरियड में देखिए ये निफ्टी का चार्ट है, यहां पर ट्रेंड रिवर्सल हो गया, ये डाउन ट्रेंड में था, डाउन ट्रेंड में था, लेफ्ट शोल्डर हेड राइट शोल्डर, ये ब्रेकआउट हो गया। अब यहां पर मल्टीपल स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी इस जगह पे, जो डाउ थ्योरी में लिखा है कि ट्रेंड रिमेंस इंटैक्ट, तो जब तक ये ब्रेकआउट नहीं हुआ तो ये डाउन ट्रेंड इंटैक्ट था, तो हमें ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजी में जाना है। इसके बाद आप देखिए जब भी प्राइस गई करेक्शन हुआ, पियर्स थ्रू कैंडल मिली और फिर यहाँ पे हमने ट्रेड बनाया होता, अच्छा प्रॉफिट बना, प्रॉफिट बुक किया, फिर करेक्शन हुआ, पियर्स थ्रू एक्शन हुआ, इवनिंग स्टार बना, फिर इसमें प्राइस में हमें 1:2 का रिस्क टू रिवार्ड रेशियो मिल गया, फिर करेक्शन हुआ यहाँ पे प्राइस में, आप देखिए यहाँ पे प्राइस में करेक्शन के बाद में एक कैंडल बनी गैप अप ओपनिंग के बाद, लेकिन वो कोई कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं था। अगर हम यहाँ पर अगले कैंडल के ऊपर के हाई में एंट्री डाले होते तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर के साथ में एंट्री ट्रिगर नहीं हुई। अब यहाँ पे फिर से करेक्शन हुआ क्योंकि यहाँ कॉम्प्लेक्स करेक्शन हो गया। तो इस तरह से मीन रिवर्जन प्रोसेस जब भी होती है तो आपको ये देखिए, फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, ये देखिए मार्केट का स्ट्रक्चर क्या था, लोअर हाइज एंड लोअर लोस, सारे मूविंग एवरेज के स्लोप डाउनवर्ड थे, यहां पे जाके क्या हुआ, यहां पे आप देखिए एक रिवर्सल चार्ट पैटर्न बना। डाउ थ्योरी क्या बोलती है, ट्रेंड रिमेन्स इंटैक्ट अनलेस इट शोज अ कंफर्मेशन फॉर अ ट्रेंड रिवर्सल। यहां पे ट्रेंड रिवर्सल क्या मिला, यहां पे आप देखिए ट्रेंड रिवर्सल मिला इनवर्स हेड एंड शोल्डर, इसको मैं ड्रॉ करूं, ये लेफ्ट शोल्डर है, हेड है, हेड है, राइट शोल्डर है और ये ब्रेकआउट है। इसके बाद में क्या हुआ, यहां पे देखिए पहले सारे मूविंग एवरेज का स्लोप डाउनवर्ड था, यहां स्लोप अपवर्ड हुआ, गोल्डन क्रॉस भी हो गया, अब मार्केट का स्ट्रक्चर हायर हाइज एंड हायर लोस का बनता हुआ नजर आ रहा है। यहां देखिए मैंने जो अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि पियर्स थ्रू प्राइस एक्शन क्या होता है, ये देखिए ट्रेंड रिवर्सल के बाद में यहाँ पे पियर्स थ्रू हुआ और पियर्स थ्रू के ऊपर में हमने एंट्री की होती, एक अच्छा प्रॉफिट हुआ, छोटा सा रिस्क है, रिवार्ड का पोटेंशियल बहुत अच्छा होता है। फिर यहाँ पे पियर्स थ्रू हुआ, पियर्स थ्रू के बाद में क्या बना, मॉर्निंग स्टार का फॉर्मेशन बना, यहाँ पे एंट्री है, टारगेट अचीव हुआ, आर की वैल्यू जो थी बहुत छोटी थी। अब आगे हम बढ़ते हैं, फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर फिर करेक्शन हुआ और यहाँ पर प्राइस बुलिश कैंडल बनी लेकिन कोई भी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं मिला, इसीलिए जल्दीबाजी हमें नहीं करनी चाहिए। और उसके बाद जब EMA 21 के ऊपर में प्राइस क्लोज हुई तो उस क्लोजिंग के हाई के ऊपर में अगर हमने मल्टीप्लाइंग फैक्टर यूज किया होता तो हमारी एंट्री फेल हो गई। जब एंट्री ट्रिगर नहीं हुई तो हम बहुत बार अपने आप को खराब ट्रेड से बचा सकते हैं।
इस तरह के बहुत एग्जाम्पल आपको दिए जाते हैं, आपको केवल मास्टरी करना है। यहां देखिए फिर से ये डाउन ट्रेंडिंग मूव में था, ये देखिए डाउन ट्रेंडिंग मूव में था। अगर मैं ऐसे ट्रेंड लाइन खींचू, लेफ्ट शोल्डर हेड राइट शोल्डर, और ये ब्रेकआउट हुआ, मार्केट का एक्सपेक्टेशन चेंज हो गया और आपको मल्टीपल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। Do we show same EMA 21 NASDAQ and NYSE? Yes, EMA 21 works in US stock market as well, in NASDAQ, EMA 21 and EMA 55 for short-term trading. And for intermediate trading, SMA 89 and SMA 144 could be used for intermediate trend. And long-term trend, of course, I use SMA 200, SMA 233, and SMA 200 is commonly used world over. So, अगर आपके पास कोई specific question है, तो आप पूछ सकते हैं। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो जरूर जल्दी से लाइक कर ले। अगर कोई specific question है तो आप पूछ सकते हैं। Moving average से related, आपको अगर कोई भी किसी तरह का डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। नाउ आई एम ओपनिंग अ क्वेश्चन आंसर सेशन। ग्रेट वीडियो, रिवीजन हो गया, थैंक यू सो मच, वेलकम आशीष। आप लोगों ने बोला था इस तरह के सेशन और करने का, हम करेंगे, कुछ कुछ टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे। जिससे दो बातें होती हैं कि एक तो आपको फोर्सफुली, मैं कोशिश करता हूं कि आप, जैसे मैंने इस सेशन के पहले आपको फोर्स किया वर्चुअली कि आप जीरो टू नेरो नाइन के वीडियो को देख के आए। जिन्होंने देख के आए वो कितने करेक्ट आंसर कर रहे थे। क्वेश्चन है कि अगर आप देख के आते हैं तुरंत आपको रिविजन हो जाता है तो वो नॉलेज परमानेंट हो जाता है। लेकिन कोशिश आपको करनी है कि जो टॉपिक के ऊपर में हम चर्चा करने जा रहे हैं, जीरो टू हीरो की प्लेलिस्ट के वीडियो को देख के आए। देखिए आज के सेशन में क्लियर हो गया, जिन्होंने देख के आए थे वो क्लियरली करेक्ट आंसर दे रहे थे, उनके आंसर में क्लैरिटी थी। और उनके आंसर के क्लैरिटी देने से हमारा ब्रेन जो है ना वो चीजों को रिइंफोर्स करता है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लाइकिंग एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। दोस्तों फिर मिलेंगे, काफी लंबा सेशन हो गया आज, तो बहुत लंबा हो गया क्या दोस्तों? आपको क्या लगता है, बहुत लंबा सेशन तो नहीं कर दिया? सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, और फिर मिलेंगे दोस्तों अति शीघ्र शाम को 4 बजे। जितने भी डीकेएस डायमंड क्लब के मेंबर्स हैं, ऑनलाइन मीटिंग है शाम को 4 बजे, तो डू मीट एट 4 PM। जो भी लॉगिन आईडी है, पासवर्ड है, आपको सर्कुलेट किया जा चुका है जितने भी डायमंड मेंबर्स हैं उनको, तो वी विल बी मीटिंग एट 4 PM टुडे फॉर डीकेएस डायमंड क्लब एक्सक्लूसिव मीटिंग एवरी संडे एट 4 PM। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू वेरी वेरी सून। ओके फाइन, हैव अ नाइस टाइम, बाय बाय।